हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अश्वी विराज। हमने लास्ट वीडियो में राठौर वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें बीकानेर और जोधपुर का वर्णन किया हुआ था, जो कि पिछली परीक्षा में आए हुए पर्सन थे। आज हम इस वीडियो में मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो पिछली परीक्षा में आए हुए पर्सन हैं, जो कि सेकेंड ग्रेड जेल पैरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? तो इसका आंसर होगा कलानिधि। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत सुधा, संगीत रचना का टीका। और इसके अतिरिक्त है सुधा प्रबंध, राजवर्णन और संगीत दीपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोष्ठों में विभक्त है? तो इसका आंसर होगा 5 कोष्ठों में। सेकेंड क्वेश्चन, चंपारण की संधि किन राज्यों के बीच हुई? तो ये संधि, चंपारण की संधि दो राज्यों के बीच हुई थी, मालवा व गुजरात, जो 1456 में हुई थी। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? तो इसका आंसर होगा 3। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? तो ये इसका आंसर होगा खातोली के युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। खातोली का युद्ध कोटा जिले में हुआ था, इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो इसका आंसर होगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? तो आंसर होगा मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना धाय ने किसके जीवन को बचाया? तो आंसर है उदय सिंह। उदय सिंह राणा सांगा की हांडी रानी कर्मावती के पुत्र थे, जो पन्ना धाय उनकी धाय माए थी, जिसने उसने बनवीर से उदय सिंह की रक्षा की और अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो आंसर होगा रतन सिंह मेवाड़ राज्य का राजा था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर चुंडा कौन थे? चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कुंवर चुंडा राणा लाखा के बड़े पुत्र थे, जिन्होंने अपना सिंहासन त्याग कर हंसाबाई के पुत्र मोकल को अपना सिंहासन सौंप दिया था, इसलिए कुंवर चुंडा को राणा राजस्थान का भीम पितामह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की? तो आंसर होगा अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का राज्याभिषेक जनवरी 1597 में चौवंड में हुआ था। इन्होंने मुगलों के अधिकारों के आधार पर 1615 में संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा? तो आंसर होगा एकनाथ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीका के नाम से लोकप्रिय था, तो इसका आंसर होगा महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1439 में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में
जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा जैन सेष्टी धरनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी? तो आंसर होगा मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? तो आंसर होगा सारंगपुर के युद्ध में विजय के अवसर पर 1437 में। महाराणा कुंभा व मालवा मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच युद्ध हुआ था जिसमें कुंभा विजय रहे। उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1509 में मेवाड़ का शासक कौन था? तो आंसर होगा राणा संग्राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहाँ पर थी? तो आंसर होगा चावंड। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। चावंड के पास बांडौली गांव के निकट महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहां हुआ? तो ये हुआ था गोकुंदा में। 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। प्रताप की माता का नाम जयंता बाई था जो पाली के अखेरा सुनार की पुत्री थी तथा पिता का नाम उदय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी? तो आंसर होगा 57 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो आंसर होगा महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोर ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? तो इसका आंसर होगा दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की सेना व मुगल सेना के मध्य हुआ था। इसका नेतृत्व कुंवर अमर सिंह और मुगल सेना का नेतृत्व सोरेमा सुल्तान सिंह ने किया था जिसमें प्रताप की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था? तो आंसर होगा हकीम खां सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था? तो आंसर होगा जलाल खां। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम जलाल खां को अगस्त 1572 में भेजा। उसके पश्चात अप्रैल 1573 में आमेर के मानसिंह को, अक्टूबर 1573 में भगवंत सिंह दास को और दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम हैं टूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त व गजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण कीजिए। तो इसका आंसर होगा भामा शाह। महाराणा प्रताप के मंत्री भामा शाह ने 1580 में चूलिया ग्राम में प्रताप से मुलाकात कर अपनी पूरी संपत्ति राणा को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया जिसके लिए पद्मिनी को जौहर कर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ी? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 को मेवाड़ पर
शासक रावल सिंह के मध्य 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक रतन सिंह के बीच चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय जाता है? तो इसका आंसर होगा महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो आंसर होगा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर होगा खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले में बयाना के पास हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि भारत में मुगल सत्ता का मार्ग प्रशस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो आंसर होगा बयाना। 1527 को बयाना भरतपुर जिले में है, जो पर इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा कुंभलगढ़। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुरता का प्रमुख कारण क्या था? तो उनका प्रमुख कारण था राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। इसकी व्याख्या है, औरंगजेब ने इस्लाम कट्टर का कट्टर समर्थक था, तो 1659 में उसने हिंदुओं के मंदिर व पाठशाला को तोड़ने की अनुमति दी। साथ ही 1679 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इन सब घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था? तो आंसर होगा गुहिल वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। इसकी व्याख्या है, 17 मार्च 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा। विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया और बाबर ने इस युद्ध में तुलुक्का पद्धति अपनाई। ये तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।